हेलो एंड वेलकम है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कैबलेट M.2 SSD इनक्लोजर का रिव्यू। सो ये एक M.2 SSD इनक्लोजर है और इसे हम M.2 SSD लगा करके पोर्टेबल पेन ड्राइव की तरह या पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस और आप की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें 1 TB 2 TB तक की भी SSD लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से ओपन होता है। और इसमें SSD जो है ये लग जाती है। तो ये SSD को हम ऐसे लगाएंगे। ये SSD आप देख सकते हैं, ये साटा SSD है और ये M+B की है। तो इस इंक्लोजर में M की और M+B की, तो NVMe SSD और साटा SSD दोनों भी लग जाएंगे। और इसको टाइप सी इंटरफेस है, तो आप टाइप सी के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ दो केबल्स मिलती हैं, टाइप सी टू टाइप सी और टाइप सी टू USB-A। ये दो भी केबल्स इसमें लग जाएंगी और आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं तो फ़िलहाल इसे अभी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव SSD या पेन ड्राइव की तरह यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मेरे पास 128 GB की SSD है जो कि मेरे सिस्टम में थी, उसे मैंने रिप्लेस कर दिया। जो मेरे सिस्टम में थी 128 GB की SSD, उसे मैंने 1 TB SSD से रिप्लेस कर दिया। और जो सिस्टम में 1 TB 128 GB की SSD है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ पोर्टेबल पेन ड्राइव। इस SSD इनक्लोजर में लगा के मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ पोर्टेबल पेन ड्राइव। और ये इनक्लोजर मुझे SSD को क्लोन करने में भी हेल्प किया था और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ पोर्टेबल पेन ड्राइव। तो आप ले सकते हैं, बहुत ही करेक्ट रेट पे मिल रहा है मार्केट में। जो भी है सभी सभी में कम रेट पे या इक्वल रेट पे मिल रहा है। मेटल इनक्लोजर है, ये मेटल का बना है और आपको फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जो भी SSD अंदर है। तो अगर आप इसे ड्रॉप भी करेंगे तो भी इसे शायद कुछ ना हो, क्योंकि ये मेटल का बना है। अभी इसमें SSD को लगाने का तरीका भी इजी है। आपको इसमें इंसर्ट करना है SSD को। इसमें SSD इंसर्ट हो जाने के बाद में इसे स्क्रू करना है। हमें इस तरह का स्क्रू दिया जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें इस तरीके का स्क्रू मिलता है। इसे इस SSD पे लगा के हमें स्क्रू कर देना है। बहुत ही इजी है, सिंपल है इसे स्क्रू करना है। इसके साथ में प्रोवाइडेड स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है, तो आपको इजीली आप इसे स्क्रू कर सकते हैं। एक बार स्क्रू करने के बाद में SSD इसमें से नहीं गिरेगी। स्क्रू कर दीजिए, उसके बाद में हम इसका कैप लगा देंगे। इस तरीके से स्लाइड होता है, इस तरीके से स्लाइड होता है और ये लग गया है। आप देख सकते हैं, इजी है, बहुत ही इजी है। कोई भी इजी यूज़ कर सकता है, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। अपनी SSD को एज अ पोर्टेबल पेन ड्राइव यूज़ करना है या M.2 SSD को पोर्टेबल पेन ड्राइव की तरह यूज़ करना है या M.2 SSD में क्लोनिंग करना है,
तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इजीली हो जाता है। और ये हो गया है कैबलेट M.2 SSD एनक्लोजर। मैं इस एनक्लोजर के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं इसके लिंक्स, और ज़रूर परचेस कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप प्रोडक्ट लेने के बाद में आप निराश नहीं होंगे। बहुत ही अच्छा एनक्लोजर है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय नाउ।